हैंडमेड कार, मतलब मेरे ऑफिस के सबसे अच्छे दोस्त संचित ने, मतलब मैं ऑलमोस्ट उसके साथ ब्लॉग बनाती हूँ, तो उसने ये खुद से बनाया है. लेट्स सी. ओ ये बहुत सारे बो हैं जिस पे बहुत कूल टॉप है. लाइक गाइस वेलकम टू माय चैनल अगेन. और अभी सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि आज की शुरुआत ब्लॉगिंग से करती हूँ. और आज मेरा टॉपिक ये है कि मेरे पास बहुत टाइम से बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं. अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं तो देख रहे होगे बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे. सो उनको रिवील करते हैं, धीरे धीरे बताते हैं कि किसने क्या दिया और ये क्यों ही दिया, ये गिफ्ट क्यों ही दिया. तो सारी बातें आज इस पूरे ब्लॉग में होती हैं. तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं. तो मैंने अभी नहाया वाया भी नहीं है और अभी मैं उठी हूँ जस्ट. और आज मेरा शिफ्ट भी है, मेरा शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट लगा हुआ है, तो मैं अभी फिलहाल घर से काम कर रही हूँ. कुछ दिन का एक्सेप्शन लिया है ऑफिस से, तभी नहीं तो ऑफिस वाले तो पांचों दिन बुला रहे हैं. मतलब TCS में तो ऐसा हो गया कि पांचों दिन आओ भाई. सो वैसे तो मैं जा ही रही हूँ, बट अभी MBA के कुछ एग्जाम्स थे तो वो खत्म कर लिया. फाइनली मेरा MBA भी खत्म हो गया है तो अब मैं फाइनली पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी हूँ. सो मैं बहुत खुश हूँ, सीनियर बन गई हूँ. लक्षण से लग नहीं रही हूँ सीनियर हूँ, बट बन चुकी हूँ. और अभी ऑफिस जाएंगे सोचा है, मतलब लौटेंगे शायद 23 को लौट जाऊँगी वापस. तो तब तक मैं कानपुर में हूँ, घर में अपना बर्थडे बना के. मेरा बर्थडे 21 को है तो मुझे विश तभी करिए, अभी से सब लोग इतनी सारी विशेज कर रहे हो. तो मेरे को घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है जो कि बहुत कम मिल पाता है. MBA की वजह से आ पाई, नहीं तो वो भी शायद नहीं आ पाती, रक्षाबंधन या दिवाली टाइम ही आ पाती. सो अभी MBA खत्म हो गया है, अभी बहुत सारी चीज़ शॉर्ट आउट हो गई हैं, मैंने भी शिफ्ट कर लिया है और सब कुछ हो गया है फाइनली. तो अब मेरा पूरा फोकस है कि मैं रोज़ ब्लॉग्स बनाने का ट्राई करूं और आप सबको अपनी लाइफ शेयर करूं. सो आप सबको जो आप इतना एक टाइम पीरियड हो जाता है ना, आप देख नहीं पाते मुझे, वो भी आप देख पाओगे. और मैं आपको हर चीज़ की अपडेट, क्या क्या हुआ बर्थडे में, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या गिफ्ट आए, सब कुछ बताऊंगी. बिकॉज मेरे को भी बताना है ये. मतलब मेरा YouTube जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से ये मेरा पहला बर्थडे YouTube के जरिए मैं शो करूंगी. सो कैसी क्या क्या करती हूँ मैं, सो बने रहिए इस वीडियो में. सो गाइस अब मैं हो गई रेडी और अब मैं आपको अपने एक एक गिफ्ट खोल के दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी वो मुझे क्यों मिले. पहले तो मेरा ये न्यू चश्मा है, अभी इसका कोई काम नहीं है, उसको हटा लेते हैं. ओके सो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो गिफ्ट है, मतलब ये जो कार्ड है, लाइक हैंडमेड कार्ड, मतलब मेरे ऑफिस के सबसे अच्छे दोस्त संचित ने, मतलब मैं ऑलमोस्ट उसके साथ ब्लॉग बनाती हूँ तो उसने ये खुद से बनाया है. लेट्स सी ये कैसे, मतलब क्या क्या मेमोरीज इसमें है. ये हमारी फ़ोटो है, मतलब जब हमारे एक ग्रुप मेंबर अर्चित का बर्थडे था तो हम लोगों ने एक क्लिक कराई थी. ये TCS DG5 के आगे का एरिया है उस टाइम, एंड ही रोट हैप्पी बर्थडे डेयरिंग वर्ड. सो अब आते हैं अंदर. सो ये काफ़ी मेमोरीज हैं हमारी. ये हम ऑफिस में क्लिक कराते रहते हैं, हम दोनों ही फ़ोटोज से निकले थोड़ा. एंड ये हम शिमला गए थे, चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन पे हमने क्लिक कराई थी. ये शिमला की है एंड ये भी बहुत सारी पार्टी से, ये शिमला की है. हमारा एक फ्रेंड और है आकाश, जो कि जिसने भी मुझे, मतलब वो भी इसने भी मुझे गिफ्ट दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. एंड देन ये आता है, लाइक मैं पहले बहुत सारे लेटर्स और बहुत सारी क्रिएटिविटी करती थी डिफरेंट पीपल्स के लिए, बट अब मैंने ये छोड़ दिया है. सो अभी मैं ये देख रही हूँ कि एक लेटर है, पर्सनल लेटर, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि आई थिंक संचित को अच्छा नहीं लगेगा. सो ये उसने इतना प्यारा बनाया है. एंड लाइक एक लड़का हैंडमेड बनाता है, लड़कियाँ तो चलो क्रिएटिविटी करती रहती हैं बट लड़का बहुत कम करते हैं. सो बहुत ही प्यारा बनाया है एंड थैंक यू संजय. गिफ्ट के बाद दूसरा जो गिफ्ट आता है ये आता है, लेट्स सी क्या है इसमें. ओ ये बहुत सारे बो हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, जो कि मैं शायद अपनी बर्थडे में पहनूंगी, ऑब्वियसली पहनूंगी, शायद क्या होता है. सो ये मुझे मेरी दीदी ने दिया है, मेरी दूसरी वाली दीदी ने, दूसरी वाली सिस्टर ने दिया है. उनका नाम नम्रता तिवारी है, घर में प्यार से उनको गुड़िया बुलाते हैं. सो उन्होंने दिया, ये बहुत प्यारे हैं. सो थैंक यू दीदी, और ये मैं डेफिनेटली अपनी बर्थडे में कैरी करने वाली हूँ. सो नेक्स्ट गिफ्ट देखते हैं क्या है. हाँ ये भी एक टॉप है, बहुत कूल टॉप है,
ये मैं सोच रही हूँ कि मैं 21st को पहनूँ। ये भी मेरी दूसरी दीदी ने, गुड़िया दीदी ने दिया है मुझे, एंड ये मैं 21st को पहनने वाली हूँ। थैंक यू वंस अगेन। एंड अब आते हैं, हमारी बड़ी दीदी ने हमको क्या दिया। सो ये जीन्स है, बहुत ही प्यारी जीन्स है, ये मेरे को चाहिए थी एंड उन्होंने इसको ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि इसको पहनना। तो मैंने 21 जुलाई को सोचा है कि 21 जुलाई को मैं अपने घर में बर्थडे बनाने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ। सो मुझे बहुत डिसेंट कपड़े पहनना है, तो मैंने जीन्स और टॉप का सोचा है। टॉप मैं अपनी सेकेंड वाली दीदी का पहनूंगी और जो उन्होंने दिया, एंड मैं जीन्स अपनी पहली वाली दीदी की पसंद की पहनूंगी। सो थैंक यू बड़ी दीदी, थैंक यू अंकित दीदी। सो ये अभी तक के सारे गिफ्ट हैं, अभी और भी खोलती हूँ। उसके बाद ये लॉकेट आता है, पेंडेंट टाइप का है, ये मैं अपने बर्थडे पे पहनूंगी, बहुत ही प्यारा है। ये भी मेरी दूसरी दीदी ने मुझे दिया है। ये कहता है बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये भी मैं बर्थडे में पहनूंगी। लेट्स सी नेक्स्ट वन। फाइनली ये आती है, मैं एक पार्टी गुड़गांव में दूंगी, एक पार्टी कानपुर में दूंगी। कानपुर वाली पार्टी तो 21st को होगी ऑब्वियसली, फॉर श्योर मेरी फैमिली के साथ, एंड जो गुड़गांव वाली पार्टी होगी वो 27 जुलाई को होगी गुड़गांव में। उस टाइम पे मैं क्या पहनूंगी, ये ड्रेस पहनूंगी जो कि मेरे खास दोस्त वैभव ने दिया है। थैंक यू वैभव। मैं वैभव से बहुत कम मिली हूँ एंड मतलब हमारी मीटिंग्स काफ़ी हुई नहीं है एंड हम लोग वर्चुअली काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं। बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड बन गया है एंड काफ़ी खास दोस्त बन गया है। उसने मेरे को ये ऑर्डर किया ड्रेस। ये मैं दिखाती हूँ कैसी आपको दिखाती। ये ऊपर का रहेगा, ये टॉप रहेगा, क्रॉप टॉप, और ये स्कर्ट रहेगी। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है एंड ये बहुत ही अच्छी पसंद है। मैं ये 27 को कैरी करने वाली हूँ। अभी देखते हैं, बट जब मैंने अपनी मम्मा को ये ड्रेस दिखाई तो वो कह रहे थे है इतने छोटे कपड़े ये सुनना पहनना। मैंने कहा मम्मा कोई नहीं, ये सब चलता है, और मैं कौन सा कुछ रिवील कर रही हूँ, कुछ एक्सपोज नहीं कर रही हूँ। इट्स डिसेंट ड्रेस, आप उसको कैरी कैसे करते हो वो मैटर करता है। तो मेरी मम्मी को अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैं इसको कैरी कैसे करूँगी, बट 27 जुलाई को जब फोटोज आएंगी शायद तो उनको पता चल जाएगा कि मैं उसको कैरी कैसे करती हूँ। तो अभी तक तो वो थोड़े काफ़ी चिंतित हैं मेरी ड्रेस को लेके। आप बहुत ही अच्छा एक वो है। मैं दिखाती हूँ, दिस वन गिफ्ट। हील्स हैं ये, और ये मैं इसी ड्रेस पे कैरी करने वाली हूँ। ये भी मेरे खास दोस्त ने मुझे दिया है। मैं इसलिए खास बोल रही हूँ क्योंकि उसने अपना नाम बोलने से मना किया है, इसलिए ठीक है। ओके, सबकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हील्स है जो कि उसने मुझे दिया है। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कैसी है। ये बस एक कम ही हो गया है, ये इसका थोड़ा ना साइज एक नंबर बढ़ा गया है। मैंने भी एक्सचेंज का डाला है, तो अभी शायद 20 जुलाई तक वो एक्सचेंज भी हो जाएगा। कोई गल नहीं, बट थैंक यू थैंक यू ये मुझे गिफ्ट देने के लिए, एंड थैंक यू वैभव वो ड्रेस देने के लिए। अभी बहुत सारे गिफ्ट और हैं, बट ये काफ़ी लंबा वीडियो जा रहा है। अभी के लिए थोड़ा सा पॉज करते हैं, बाकी गिफ्ट्स मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। वीडियो कैसा लगा है लाइक करिए और कमेंट करिए, और मेरा हर दिन 7 बजे एक ब्लॉग पढ़ने वाला है। मैंने आज से सोच लिया डेली ब्लॉगिंग करने का, तो आप लोग 7 बजे मेरी लाइफ आज मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप देख सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इसी पे अच्छे अच्छे खास खास वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू गाइस अपने टाइम के लिए, और बने रहिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, तो वो मैं लाती रहूँगी। और जो भी आपको फीडबैक है आप मेरे को दे सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरे को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, और मैं सबको रिप्लाई करूँगी एंड बात करने का ट्राई करूँगी। धन्यवाद गाइस, बाय।